हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके लिए ट्रांसलेशन का बहुत ही सुंदर सा रूल लेकर पेश हुए हैं। और रूल यह है कि अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो कि होता है, अगर किसी सेंटेंस में कहीं ऐसा ना हो कि होता है, तो उसकी जो इंग्लिश है वो लास्ट आती है कहीं ऐसा ना हो कि, ना कि इंग्लिश भी इसी में आ जाती है लास्ट में। और दूसरी बात यह है कि लास्ट के बाद में सब्जेक्ट आएगा और लास्ट के साथ में हमेशा शुड आता है, कभी भी शुड नॉट नहीं आएगा, कभी भी वुड नहीं आएगा या फिर वुड नॉट नहीं आएगा, हमेशा लास्ट के संग में सिर्फ और सिर्फ शुड आता है। जैसे पहला सेंटेंस है, ठीक से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहला सेंटेंस यहां पे बनाएंगे, रीड केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश लास्ट, तुम फेल हो जाओ, यू के संग में आएगा, यू शुड फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो कैसे बनाएंगे? वॉक कॉशियसली, और कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश है लास्ट, वॉक कॉशियसली, लास्ट यू शुड स्टम्बल, स्टम्बल माना होता है गिर जाना। एक मैं करेक्ट इनकरेक्ट सबका सेंटेंस आपके लिए दे रहा हूं कि इस सेंटेंस में बताइए कहां पर जो है एरर है। तो डू इट अटेंटिवली, इसको ध्यान से करो, लास्ट यू वुड गेट अ फाइन, तो लास्ट के संग में वुड नहीं आएगा, इसीलिए इसमें सी में एरर है।